ओके गाइस, तो 9000 में क्या क्या आ सकता है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसे छोड़ो, हमने बाय करा है 9000 रुपए के अंदर एक सस्ता सा लैपटॉप, और ये ना भाई एसुस की तरफ से आता है, क्रोमबुक है। बिग बिलियन डेज में भाई इसकी जो प्राइसिंग थी 9000 रुपए चली गई थी। तो आज इसकी बात करते हैं, क्विक अनबॉक्सिंग देता हूँ, बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप है ना वो कैसा मिलता है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट सा है, और इसके अंदर आपको लैपटॉप या फिर क्रोमबुक में बोल सकता हूँ इसे, इसके साथ एक चार्जर मिल जाता है, केबल वगैरह मिल जाती है, और हाँ बता दूं 45 वॉट का चार्जर इसके अंदर मिल जाता है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो गाइस, क्रोमबुक कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले जब मैंने इसको हाथ में लिया ना भाई, इसका जो वेट है वो लगभग 1.24 केजी के आसपास है। लाइट वेट तो लगती है, ये तो नो डाउट लिया। अब यहाँ पर देखोगे तो भाई क्रोमबुक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, गूगल का यहाँ पर आपको जो लोगो वो मिल जाएगा, एसुस की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर अगर बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ऊपर यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये लगता है कि एल्यूमिनियम फिनिश में बोल सकते हो, लेकिन भाई ये पूरा प्लास्टिक के साथ आता है। पीछे भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिल जाती है, और ठीक ठाक क्वालिटी की जो प्लास्टिक है ना वो यूज कर रखी है। बाकी यहाँ पर हम इसको एक हाथ से भाई ओपन नहीं कर सकते, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इतनी अच्छी तरीके से नहीं है, हिंजेस को ज्यादा ही टाइट लगते हैं। बाकी साइज वगैरह की बात करूं तो 11.6 इंचेस के आसपास की जो डिस्प्ले है ना वो मिल जाती है, और यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो बेजल्स इतने हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक वेबकैम मिलता है 720p वाला, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ये पूरा 180 डिग्री तक इस तरीके से भाई फ्लैट हो जाता है। बाकी यहाँ पर मैंने जब कीबोर्ड देखा ना, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ भाई बहुत सारे जो बटन है वो मिसिंग है। आगे बताऊंगा वो क्यों मिसिंग है, जैसे कि विंडोज का जो बटन है या फिर फंक्शन जो कीज है ना भाई वो मिसिंग है। और यहाँ पर आपको जो ट्रैक पैड मिलता है ना, वहां पर भी आपको क्लिकेबल मिलता है पूरा, मतलब आप रिफ्रेश वाला बटन ढूंढोगे ना वो चीज नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जितना भी ओवरव्यू था ना वो दे दिया है, लेकिन अब बात करते हैं पोर्ट्स और बटन्स और कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं 3.2 जेन 1 के साथ, जो कि टाइप ए पोर्ट आते हैं, और इसके साथ साथ ना भाई यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो कि 3.2 जेन 1 के साथ आते हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है, SD कार्ड के लिए स्लॉट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 1 KG वाला जो सिक्योरिटी लॉक है ना वो भी मिल जाता है इसके साथ, और इसका जो चार्जर है ना वो भी टाइप सी के साथ ही आता है, तो उसी से चार्ज होता है ये वाला लैपटॉप। एंड अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है वो 11.6 इंच की है, जो मैंने बता दिया था, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है 1366x768, और ये ना एक HD डिस्प्ले जो कि LCD पैनल के साथ आती है। साथ में ब्राइटनेस यहाँ पर आपको 200 nits की है, लेकिन मैं देख रहा था फुल ब्राइट करके भाई, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है तो उस हिसाब से मेरे को ब्राइट लगी, मतलब ऐसा लगा नहीं कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है। साथ में यहाँ पर जो NTSC है ना वो 45% मिलता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूँ, उसकी वजह से जो कलर्स है ना वो थोड़े से कम लगेंगे आपको, मतलब जो sRGB 99% होता है ना उससे बहुत ज्यादा कम लगेंगे यहाँ पर, थोड़े फीके फीके कलर है। ब्राइटनेस काफी सही है लेकिन कलर्स थोड़े कम है, तो कंट्रास्ट या फिर आप जब शार्पनेस सैचुरेशन देखोगे ना थोड़ी सी कम लगेगी। और यहाँ पर जब आप मल्टीमीडिया का यूज करते हो तो जो डिस्प्ले के अंदर जो क्वालिटी आती है, मतलब YouTube पे आप 4K तक वीडियो यूज कर सकते हो, साथ में जब आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो डिसेंट क्वालिटी की मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पर जब भी आप एंगल वगैरह चेंज करोगे, साइड से देखोगे तो थोड़ा काला दिखाई देता है, और कलर उतने बूस्टेड नहीं दिखाई देते या फिर नॉर्मल भी नहीं दिखाई देते। तो लगे आज भाई हमने इसका स्पीकर का भी टेस्ट कर लिया। वैसे नीचे यहाँ पर आपको 2 स्पीकर मिलते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर जो स्पीकर की आवाज है ना वो मैं बोल सकता हूँ किसी एक नॉर्मल 15-20 हज़ार वाले फोन की तरह कुछ कुछ आती है। तो यहाँ पर आपको जो बेस क्वालिटी वैसा नहीं मिलता, स्टीरियो स्पीकर टाइप आवाज आती है, और जो कि डिसेंट मैं बोलूंगा इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। काफी बढ़िया तरीके से पूछा था किसी ने कि भाई गूगल मैप्स यूज कर सकते हैं, रिलायबल है वो मैप? तो यहाँ पर बता दूं ये एंड्रॉइड 8.1 के साथ आता है, तो ओरियो के साथ आता है, और यहाँ पर ना गूगल। और जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था यहाँ पर कुछ बटन्स मिसिंग है, तो बता दूं यहाँ पर जो OS है वो क्रोम वाला है, तो एंड्रॉइड और जो विंडोज है उससे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मतलब विंडोज से तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन भाई एंड्रॉइड के मुकाबले में बोलूंगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको प्ले स्टोर मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल के अंदर गेम चलती है, जो भी ऐप चलती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक सर्च का बटन मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाता है जहां पर आप के अंदर मिल जाती है, और यहाँ पर ना आपको जो बटन्स मैं बता रहा था विंडोज वगैरह की, भाई वो चीज नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली बात है ये एंड्रॉइड वर्जन है किसी लैपटॉप का, ऐसे बोल सकते हो आप। इस तरह की क्रोमबुक का फायदा तब हो जाता है जब भी आप कोई ऐसी ऐप यूज कर रहे हो ना जो आपके फोन में चलती हो लेकिन लैपटॉप में नहीं चल पाती, तो भाई यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप व्हाट्सएप चला सकते हो या फिर आप BGMI वगैरह प्ले कर सकते हो, उसके मैं बताऊंगा कि भाई चलती या फिर नहीं चलती। जैसे कि आप JioCinema में यूज कर सकते हो, हॉटस्टार पे भी भाई बिना सब्सक्रिप्शन के आप मैच वगैरह देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, ये चीज एंजॉय कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप में चलाओगे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो मिलती है 4GB 32GB वाला जो वेरिएंट है EMMC, भाई यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाता है, सेलरॉन का ड्यूल कोर
N4020 जो प्रोसेसर है वो मिल जाता है वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 के साथ आता है। साथ में यहाँ पर आपको जैसे मिल जाता है 45 वॉट का चार्जर आता है और यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है लगभग 13 आवर्स के आसपास इन्होंने बताई हुई है कि भाई चल जाती है। लेकिन हम यूज कर रहे हैं भाई इसको तो लगभग मैं बोलूंगा फुल ब्राइटनेस पे लगभग 3 घंटे के आसपास की बैटरी चल सकती है। अब काफी लोग पूछेंगे कि भाई इस प्रोसेसर के अंदर क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं डेली रूटीन वाले या फिर अगर हम गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो क्या हो सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले बता दूं ये बेसिक लेवल वाले जो काम होते हैं, जैसे कि आप कॉन्टेंट वॉचिंग कर रहे हो यूट्यूब वगैरह पे, सबसे पहले तो भाई वही करोगे। उसके बाद अगर आप एक्सेल वगैरह यूज करते हो तो भाई वहां पर आप डाटा एंट्री वगैरह कर सकते हो। तीसरी चीज स्टूडेंट के लिए काफी सही हो सकती है, जहां पर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो या फिर आप गूगल मीट पे कनेक्ट हो सकते हो अपनी क्लास वगैरह से, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी भाई कॉलिंग वगैरह इजिली कर सकते हो उससे। इसके साथ काफी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करते हैं तो क्या इसके लिए अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ेगी या फिर प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। भाई सिंपल सी, यहाँ पर जो भी आप पीडीएफ वगैरह भी यूज करोगे ना वो इसके क्रोम ब्राउजर में ही ओपन हो जाती है, वहां पर आप एडिटिंग वगैरह भी कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पर आपको क्रोम का सपोर्ट मिलता है तो आप डायरेक्टली जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाउनलोड कर सकते हो उसके अंदर, और इजी जैसे आप विंडोज में यूज करते हो वैसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत आएगी इसके शॉर्टकट कीज के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आपको कैप्स का बटन नहीं मिलता, विंडोज का बटन नहीं मिलता, अब वो उनका काम भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी आपको कैप्स लॉक यूज करना तो शिफ्ट के साथ वो बटन प्रेस कर सकते हो या फिर कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो, वी करके पेस्ट कर सकते हो, और कट करना है तो कंट्रोल एक्स वही काम करेगा जैसे कि उसमें काम करता है। फंक्शन कीज का काम ही नहीं है। वैसे ऊपर आपको बटन मिल जाते हैं जहां पर आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो या फिर ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर आगे और पीछे जाने का ऑप्शन मिल जाता है, स्केप का बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और जितने बटन चाहिए ना आपको वो सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलेगा वो सर्च का बटन है इस कीबोर्ड के अंदर। और बार बार आपको एक दिक्कत आएगी, जब भी आप लैपटॉप अगर पहले यूज करते हो तो भाई रिफ्रेश जैसे करते हो ना बार बार आप ट्रैक पैड पे प्रेस करके, वो चीज थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि रिफ्रेश का जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं आ रहा। बाकी इसके बाद ना भाई कुछ गेम वगैरह भी हमने प्ले करके देखी, जैसे कि यहाँ पर आपको कैंडी क्रश वगैरह देखने को मिल जाएगी सही तरीके से काम करती हुई। एसफॉल्ट वगैरह खेलते हो तो थोड़ी सी हैंग करती है, लैग करती है, और मैं कहूंगा भाई नहीं चल पाएगी। मतलब अगर आप 9000 रुपए का फोन लेते हो ना तो उसमें ज्यादा बैटरी चल जाएगी, इसमें वो चीज नहीं मिल पा रही। अब यहाँ पर ना हमने BGMI भी डाउनलोड करी थी, वैसे 32 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है, आई थिंक भाई वो वैसे भी सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन हमने चला के देखी फिर भी कि भाई एक बार रन करा के देखते हैं, तो वहां पर कुछ इश्यू आ रहा था। साथ में ना जब भी आप गेम वगैरह ओपन करते हो तो वहां पर जो उसका मोड है ना या फिर स्क्रीन का टाइप है ना वहां पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, अगर आप उसे फोन की तरह खेलना चाहते हो, टैबलेट की तरह, या फिर स्क्रीन साइज है ना वो बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और यही सेम चीज आप वीडियो कॉलिंग में भी देखोगे जब व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल वगैरह कर रहे हो। लेकिन अब बात आती है कंक्लूजन की कि भाई इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर ये सारे फीचर हमें फोन में मिल जाते हैं तो फोन ज्यादा बेटर रहेगा, परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलेगी। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इस तरह की जो चीजें हैं ना भाई देखो कहाँ यूज आ सकती हैं, जैसे कि आप किसी चीज के फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, डेस्कटॉप मोड बार बार आपने फोन में ओपन नहीं करना चाहते या फिर ओपन नहीं हो रहा या फिर वो काम नहीं हो पा रहा, वहां पर यूज आ सकता है ये। साथ में अगर आप टैबलेट का यूज कर रहे थे ना अभी तक, टैबलेट के लिए बार बार कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है काफी ऐसे काम में, तो भाई वहां पर मतलब 10-15 हजार के आसपास ही आता है एक टैबलेट, तो वहां पर ये काम कर सकता है। तीसरी चीज, आपको कोई ऐसी चीज चलानी है जो आपके फोन में चलती है और विंडोज लैपटॉप में चलती, वो चीजें यहाँ पर चल पाएंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आप जियो टीवी चलाना चाहते हो, जियो सिनेमा ऐप चलाना चाहते हो, हॉटस्टार वैसे इसके अंदर ऐप डाउनलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन आप गूगल पे जाके भाई यूज कर सकते हो। साथ में नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको मोबाइल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन यूज में आएगा आपका एक लैपटॉप वाला यूज, मतलब बड़ी स्क्रीन। साथ में कुछ छोटा मोटा काम, जैसे कि अगर आप सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या फिर डाटा एंट्री वगैरह कर रहे हो, तो उस काम के लिए मैं बोल सकता हूँ काफी ठीक रहेगा। इवन अगर आप स्टूडेंट्स को हाई एंड लैपटॉप नहीं देना चाहते, किसी ऐसे बच्चे को देना चाहते हो, तो हाँ ये दे सकते हो भाई, सस्ता का सस्ता और फील पूरी आती है कि भाई एक लैपटॉप है। तो लास्ट में यही है कि भाई 9000 रुपए के अंदर मेरे हिसाब से वर्थ इट लगा भाई, जो जो फीचर इसके अंदर दे रखे हैं और जिस काम के लिए ये यूज में आना ना भाई, उस हिसाब से वर्थ इट लगा मुझे। बाकी 9000 रुपए में भाई एक अच्छा फोन नहीं आता आजकल, तुम्हें पता है 15-20 हजार के अंदर एक बढ़िया फोन आता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन, कीबोर्ड और वेबकैम मिल रहा है, स्पीकर का आउटपुट ठीक है, बाकी 32 GB आता है, तो यहाँ पर आप कार्ड लगा के इसका स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। बाकी मुझे बताना भाई आपको ये जो क्रोमबुक है वो कैसी लगी, अगर आपने कभी यूज करी या फिर इससे बेटर या फिर थोड़ी सी और टच स्क्रीन वाली यूज करी तो मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। बाकी ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।